आज त्रिकोणमिति का तीसरा यानी पार्ट थ्री पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, इसका मान कितना होता है एक, मतलब कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर क्या होता है एक बटा कोसेक थीटा। फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक, यानी टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है एक, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है एक बटा सेक थीटा। अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको सीधे सिंपल तरीके से, यहाँ आपको क्या करना है साइन कॉस टेन, फिर यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक, यहाँ कर दो लाल बटे कर। अगर साइन का पूछे तो लंब बटा कर, कॉस का पूछे तो आधार बटा कर, टेन का पूछे तो लंब बटा आधार, इसी प्रकार कॉट का जस्ट उल्टा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सारणी, जिसमें सारे मान होंगे त्रिकोणमिति के। अब सारणी बनाने का सबसे पहला तरीका पढ़ेंगे कि सारणी बनाते कैसे हैं। यह आएंगे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, तो यहां जीरो डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। साइन थीटा, फिर नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, फिर नीचे लिखेंगे टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में आएगा हमारा कोसेक थीटा। अब सबसे पहले सारणी बनाने का तरीका देखते हैं कि सारणी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम जीरो, एक, दो, तीन और चार, यानी कितने अंक लेंगे, पांच अंक लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार, चार तक अंक लेंगे। और उन सब में किसका भाग देंगे, चार का भाग देंगे। उन सब में किसका भाग देंगे, चार में, चार का भाग, जीरो में चार का भाग दिया तो जीरो। अब चार एक बटा चार, इसको सॉल्व कर नहीं सकते। फिर दो बटा चार है, इसको दो से काटेंगे तो एक बटा दो, तीन बटा चार नहीं कटेगा और चार बटा चार एक। अब इन सब पे क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल लेंगे इन सब का, क्या लेंगे वर्गमूल। जीरो का वर्गमूल क्या आएगा, जीरो। एक बटा चार का वर्गमूल एक बटा दो, क्योंकि चार का कितना होता है वर्गमूल, दो होता है। एक बटा दो है तो दो का तो होता नहीं है, तो दो का अंडर रूट दो, तीन का होगा नहीं, लेकिन चार का कितना होगा, दो और एक का एक। ये संख्या ये आपके मान आएंगे पहली लाइन, यहाँ जीरो, यहाँ एक बटे दो, यहाँ एक बटे अंडर रूट दो, यहाँ अंडर रूट तीन बटे दो और यहाँ कितना आएगा, एक आएगा। इतना हमें पता है बस। इससे आगे देखो क्या करते हैं, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे एक से वापस इधर, यहाँ एक रखेंगे, फिर अंडर रूट तीन बटे दो, फिर ये मान, फिर एक बटे दो और हमें जीरो। हमें इतना पता है बस। सबसे पहले ये वन लाइन आपको याद रखनी है और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन वाले मान में हम किसके भाग, किसका भाग देंगे, कॉस वाले मान का भाग देंगे। एक सूत्र और होता है, क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक बटा टेन थीटा, ये दूसरे में काम आएगा। पहला क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम जीरो में किसका भाग देंगे,
एक का भाग दे, अगर हम जीरो में एक का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। अगर हम एक में जीरो का भाग दें तो मान आएगा हमारे पास में अनंत। क्या आएगा, अनंत। इसमें भाग दिया तो आया जीरो। यहाँ दो से दो कैंसिल, ऊपर एक बचा, नीचे अंडरूट तीन बचा। यहाँ सेम है दोनों, कट जाएंगे, मान कितना आएगा, एक। यहाँ नीचे वाले दो से दो कैंसिल, ऊपर अंडरूट तीन बटा एक, यानी अंडरूट तीन। अब एक बटा जीरो, यानी एक में जीरो का भाग देंगे तो मान कितना आएगा। एक तरीका ये भी है। अब देखो आगे हमें कॉट की वैल्यू ज्ञात करें, इसका जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं और टेन का उल्टा भी करके लिख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, अनंत, फिर क्या आएगा, अंडर रूट तीन, फिर एक है ही, फिर एक बटा अंडर रूट तीन, और फिर जीरो, फिर क्या आएगा, जीरो। फिर आगे पढ़ते हैं हम, से की वैल्यू निकालते हैं, और से किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका होता है उल्टा, कोस का। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा cos थीटा। यानी जो भी cos की वैल्यू है उसको अगर हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे जस्ट। जैसे cos की वैल्यू एक है, एक का उल्टा कितना होगा, एक। फिर अंडर रूट तीन बटा दो है, तो दो ऊपर और अंडर रूट तीन नीचे, जस्ट इसका उल्टा। फिर इसका उल्टा, अंडर रूट दो ऊपर चले जाएंगे, एक नीचे, यानी अंडर रूट दो। फिर ये कितने आएंगे, दो। और अगर जीरो का हमें उल्टा करना तो क्या आएगा, मान अनंत। क्या आएगा, अनंत आएगा। फिर वही प्रक्रिया वापस, यहाँ आएगा अनंत, यहाँ आएगा दो, यहाँ अंडर रूट दो, यहाँ दो बटे अंडर रूट तीन, और यहाँ मान कितना आ जाएगा, एक। कितना आएगा, एक। अब हमें पता कैसे चला कि ये सारणी से, यहाँ साइन नब्बे का मान कितना आएगा, एक आएगा, और कोसाइन नब्बे का मान भी कितना आएगा, एक। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा कोसेक थीटा। अगर हमारे पास एक वैल्यू है तो यहाँ कितना रखेंगे, एक। एक बटा एक कितना आ गया, एक। तो साइन नब्बे डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास में, एक। जो किया है एकदम है सही है। सबसे पहले ये सारणी, तो एक बार देख लो सारणी। अब एक चीज और, हमेशा पाई का मान कितना, अगर आपको पाई का मान पूछे तो कितना बताओगे। वैसे तो गणित में कितना होता है, 22/7, लेकिन यहाँ थीटा का मान चल रहा है, कोण का मान चल रहा है, तो कोण का मान कितना बताओगे तुम, 180। कितना बताओगे, 180। अगर हमें जीरो मान निकालना तो यहाँ तो कितना आएगा, जीरो आएगा। वैसे अगर जीरो पूछे, अगर हमें क्या निकालना है, 30 डिग्री निकालना है, तो 180 में मैं किसका भाग दूं ताकि 30 आ जाए, तो मैं किसका भाग दूं, अगर 6 का भाग दूं, किसका भाग दूं, 6। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 6। तो 30 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पाई बटा 6 भी कह सकते हैं। वैसे भी अगर हमें 45 डिग्री को कहना है तो 5/4 कहेंगे, 5/4। अगर 60 डिग्री हो तो 5/3। अगर 90 डिग्री तो 5/2। आप पाई का मान 180 रख के देख लिए, मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही आएंगे। पहला हमने कितना रखा, 6 रखा, तो कितना आया, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। 5/4 बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। 5/2 बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और 5/3 बराबर कितना होता है, 60 डिग्री। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बस सारणी याद रखनी है। सारणी के मान आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, मुख जमाने, तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पहला प्रश्न है कोट 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। तो हमें पता है यहाँ कोट का पूछा है, तो कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, तो कोट बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। या अगर हमें टेन 60 की वैल्यू पता है तो टेन 60 बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट 60 डिग्री। अगर हमें कोट 60 डिग्री निकालना है, अगर टेन 60 का पता है तो 1 बटा टेन 60 डिग्री। तो सबसे पहले कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, और टेन 60 की वैल्यू कितनी है, तो कोस 60 में किसका भाग दे देंगे, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो यहाँ सीधा माने रख देंगे। तो कोट 60 की वैल्यू होती कितनी, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो हमें निकालना है किसका, टेन 30 डिग्री का, और आपको बता दूं टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा 2, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो टेन 30 का मान हो गया √3, इसका मान हो गया √3, इसका मान तो हो गया 1 बटा √3 टेन 30 डिग्री का, टेन 60 का मान कितना हो गया √3। अगर हमें कोट 60 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ √3 रख देंगे बस, तो 1 बटा √3 सीधा सीधा मान निकालना। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो कि हमेशा साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के बराबर होता है, दोनों सेम ही होते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा 2, तो कोट 60 का भी मान कितना होगा, 1 बटा 2 ही होगा। अगर आपको साइन 60 का मान और इधर कोस 30 डिग्री हो तो उसका मान कितना होता है, √3/2। सबसे पहली चीज तो ये, फिर टेन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, कोट 60 डिग्री के बराबर, कितना होता है कोट 60 का मान, 1 बटा √3। अगर टेन 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री पूछे तो उसका मान कितना होता है, √3 होता है, और बाकी आप निकाल सकते हो। इतना ध्यान रखना आपको बस, क्या करना, इतना ध्यान रखना, ये चारों मान याद कर लो आपके, सारणी पूरी याद हो जाएगी। फिर हमें कोट 60 डिग्री का मान निकालना, तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा √3 प्लस कोस 45, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे √2। ये मान आपको सीधे याद रखना है, साइन 45 पूछे चाहे कोस 45 पूछे, मान कितना होता है, 1 बटा √2। अगर इसी प्रकार आपको टेन 45 डिग्री पूछे या कोट 45 डिग्री पूछे तो भी उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको टेन 45 पूछे चाहे कोट 45 डिग्री पूछे तो उसका मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोट 60 डिग्री का मान 1 बटा √3 और कोस 45 का मान कितना होता है, 1 बटे √2। लघुत्तम ले लिया, √3 × √2 √3 से √3 कैंसिल, √2 + √3 √2 + √3/√6, ये आपके क्या है आंसर, ये दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, अंदर गुणा हो जाएंगे, 3 × 6 √6। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं फिर थोड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर। साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, वैसे तो क्या है, हम सीधा सीधा मान लिख कर भी रख सकते हैं, कैसे, साइन 45 का मान रखा, कोस 30 का मान रखा, कोस 45 का मान रखा, साइन 30 का मान, फटाफट रख दे, साइन 45 का मान 1 बटा √2, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 45 का मान कितना होता है, 1 बटा √2, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान क्या होता है, 1 बटा √2 होता है। फिर साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा 2 होता है, यहाँ √3/2 √2 1 बटे 2 √2 दोनों में सेम है, लघुत्तम क्या गया 2 √2,
ऊपर क्या बचा, अंडरूट 3 + 1, ये क्या हो गया आपके फाइनल है आंसर आगे। तो एक बार देख लो, साइन 45 का मान रखा, कोस 30 का मान रखा, कोस 45 का मान रखा और साइन 30 का मान रखा, इन दोनों को आपस में गुणा किया, अंडरूट 3 को 1 से गुणा किया, अंडरूट 3/2 अंडरूट 2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया, 1/2 अंडरूट 2 मान रखा और सीधा आंसर। बस आपको ये मान आपको सीधे याद रखने हैं, कितने मान है 5 और 6, इतना नहीं बस 4 तक याद रख लो, ये तो बाकी याद हो जाएंगे, ये 4 मान आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, अगर ये चारों आप मान रख याद कर लिया तो पूरी सारणी आपको याद है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगर हमें थीटा बराबर क्या दिया हुआ है π/3 हो तो, थीटा बराबर क्या हो π/3, π/3 का मान यही निकाल लो, पाई का मान कितना होता है 180/3, यानी कितना 3 × 6 = 18 यानी 60 डिग्री। थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मान निकालने क्वेश्चन क्या है 3 cot θ, 3 cot θ -cot³θ -3 cot²θ, हमें इसका मान निकालना, थीटा बराबर कितना दिया हुआ 60 डिग्री, मान रख देंगे कोट 60 डिग्री माइनस कोट क्यूब 60 डिग्री 1 − 3 cot²60 डिग्री। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ कोट स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ देखो, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ रखू अगर मैं 1/√3, कोट स्क्वायर है यहाँ पे तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, अगर हमें √3 का स्क्वायर करना है तो मान कितना आएगा 3, अगर हमें √5 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 5, अगर हमें √7 का स्क्वायर करना है वर्ग करना है तो क्या आएगी 7 वैल्यू आएगी। यहाँ गुणा में ये 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल, इधर क्या बचा 1 इधर 1, यानी क्या बचा नीचे क्या बचा 1 - 1 मतलब क्या है 0, नीचे क्या आया पूरा 0, क्या है मान नीचे 0 आएगा, नीचे क्या आएगा पूरा 0, और हमें इस मान में क्या करना है कुछ भी मतलब नहीं है, मान रख दो बस सीधा सीधा, कोट शार्ट की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 माइनस कोट शार्ट 1/3 × √3/0, इसका मान पूरे का मान कितना आ गया, नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे 0 आ जाए उसका मान कितना आएगा हमारे पास में अनंत, कितना आएगा अनंत, तो मान क्या है संभव है नहीं है, मान निकालने क्या है संभव है नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan 45 डिग्री बटे √3 - 1, ये आपके कितने नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान मैंने पहले ही बताया, tan 45 की बात हो चाहे cot 45 की बात हो, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा क्या होता है cot होता है, tan 45 हो चाहे cot 45 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 होती है, कितनी होती है वैल्यू 1, तो tan 45 का मान मैंने कितना रखा 1 रखा नीचे √3 - 1, मैंने पहले भी आपको क्या पढ़ाया था परिमेयकरण करना, क्या पढ़ाया था मैंने परिमेयकरण, तो परिमेयकरण में क्या बताया था मैंने कि हर वाले जो संख्या उसमें हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, हर है उसमें क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, और चिन्ह चेंज करके कैसे, अगर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, अगर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, चिन्ह चेंज करके अंश व हर दोनों को उस संख्या से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, अंश व हर उन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे उस संख्या से गुणा कर देंगे, कैसे करते हैं देखो 1/√3 - 1 माइनस है तो यहाँ बीच में क्या रहेंगे प्लस,
√3 + 1 √3 + 1। ऊपर क्या बचा, इसको एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 + 1। मैंने क्या पढ़ा, इसको क्या मान लो ए, इसको क्या मान लो बी, इसको भी ए, इसको भी बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या, √3, √3 का स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। मैंने किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल का स्क्वायर करना है तो वही संख्या वापस आएगी, √3 का स्क्वायर करना है तो 3 और 1 का स्क्वायर करना है तो 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। यहाँ देखो √3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर √3 + 1/2। ये हमारे क्या है फाइनल आंसर। तो ये होता है परिमेयकरण, ये ध्यान रखना, इस टाइप में होता है। तो एक बार देख लो वापिस, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है sin π/6 + cos π/6 - tan³π/4 माइनस का tan³π/4 यानी पाई बटे चार। पहला है sin π/6, पाई का मान पहले मैंने पहले ही बताया था कि पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान हमें रखना है 180 डिग्री। अगर मैं 180 में 6 का भाग दूं तो कितना आएगा, 6 × 3 = 18 यानी 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ कितना है sin 30 डिग्री प्लस कोश, अगर 180 में मैं 6 का भाग दूं तो भी कितना आएगा, 180 में 6 का भाग दिया तो भी कितना आएगा 30 आएगा, प्लस कोश 30 डिग्री माइनस टेन क्यूब है, हमें क्यूब से अभी कोई मतलब नहीं, हमें पाई बाई फोर का मान निकालना है, पाई का मान 180/4 तो मान कितना आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा मान है 45 डिग्री। अगर मैं 180 में 4 का भाग दूं तो कितना आएगा 45 आएगा। तो टेन क्यूब 45 डिग्री। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें टेन क्यूब 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री का क्यूब है, ये क्या है गलत है, ये सही है। इसके अलावा ये भी आ सकता है, इसके अलावा ये भी आ सकता है टेन 45 डिग्री का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना आपको, बस ये चीज तो गलत है। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो सही है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर लिखना क्या है गलत है, ये गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी थीटा का स्क्वायर यानी कोण का वर्ग कभी भी मत करना यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, लेकिन साइन 45 का स्क्वायर लिखना है ये तो गलत है। यहाँ कितना मान है थीटा का 45, यहाँ भी कितना है 45, यहाँ कितना 45 का स्क्वायर, ये तो गलत है, ये सही है, ये ध्यान रखना। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 + 1/2 माइनस, हमें पता है टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, एक का क्यूब किया, हमें एक की घात कितनी लगाओ बस, मान कितना आएगा एक, 1/2 + 1/2 - 1 आधा और आधा कितना होता है 1 माइनस का 1 बराबर आंसर कितना आएंगे 0। कितना आएगा आंसर 0। एक बार इस प्रश्न को देख लो आप,
फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री बटा कोस 35 डिग्री। तो एक बार इस प्रश्न को सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, हमें साइन 35 का मान भी नहीं पता है, कोस 35 का मान भी नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 35 को मान लो मैं थीटा, क्या मान लो थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें पता होता है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, यहाँ भी कितनी है 35 डिग्री, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 35 डिग्री लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं किसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर 35 डिग्री और बटा में कितना है कोस 35 डिग्री है। मैंने क्या बताया था कि यह स्क्वायर क्या होता है, इस अंडर रूट को क्या हो जाता है, खा जाता है, यानी यहां से अंडर रूट हट जाता है। कोस 35 डिग्री बटे कोस 35 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास में 1। हमें यहाँ कोई भी थीटा का मान रखने की जरूरत है नहीं है, सीधा आंसर आ सकता है। तो यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर 35 डिग्री बटे कोस 35 डिग्री, स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल को खा जाएगा यहाँ से वर्ग, यहाँ क्या बचा कोस 35 डिग्री और बटा कोस 35 डिग्री ऑलरेडी है पहले से, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मान कितना आएगा, अगर कोस 35 में कोस 35 का भाग दिया तो मान कितना है 1, अगर 1 का a में भाग दूं तो 1, 5 का 5 में भाग दूं तो 1, इसी प्रकार कोस 35 में कोस 35 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा। ये था हमारे पास में छठवां प्रश्न। फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं सातवां प्रश्न, धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप शुरू से ये सोचोगे कि ये सब तो प्रश्न धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न करवा रहे हैं तो फिर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और सबसे क्या है, सरल प्रश्नावली है, सबसे क्या है, सरल है। फिर अगले प्रश्न क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 minus tan square 30 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, यहाँ 30 डिग्री मान है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, दोनों जगह सेम मान है, इसको मैं थीटा मान लू तो 2 tan theta बटे 1 minus tan square theta, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 theta का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहाँ मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ, 2 को 30 से गुणा किया 10 60 डिग्री, यहाँ पे सीधा मैं 10 60 डिग्री की वैल्यू रख दूं, अंडर रूट 3, ये मेरा आंसर सीधा है। लेकिन हमें ये सीधा आंसर है नहीं करना है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब तो सीधा आंसर कर लिखना है, अगर 10th level तक कर रहे हो या फिर 12th level की कर रहे हो तो सीधा आंसर है नहीं लिखना, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 minus tan square 30 डिग्री, स्क्वायर है 1 का 1, सबसे पहले ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायर, 2 को ऐसे गुणा किया 1 2/√3, 1 minus 1 का square 1/√3 का square 3, लघुतम लिया जैसा पाया 3 3 minus 1 2/√3 और 2/3, ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा करवा दो और बीच बीच वाली, 2 को मैंने किससे गुणा करवाया 3 से, फिर 2 को मैंने किससे गुणा करवाया अंडर रूट 3 से। एक बार वापस समझ लो, यहां से यहां बचा ऊपर 2, नीचे अंडर रूट 3, फिर 1 minus 1/3, इसके नीचे 1 रख दो कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा, यहाँ इसका ऊपर वाला तो सेम रखना है, ऊपर वाले को छेड़ना ही नहीं है अभी तक। 2/3 इसका लघुत्तम लिया मैंने, 3, 1 को 3 से गुणा किया, 3 माइनस 3 का 3 में भाग 1, 2/3। ऊपर बचा क्या बचा, 2/√3, और नीचे बचा 2/3। ऊपर ऊपर वाली संख्या बार बार वाली संख्याओं को गुणा कर दो, और अंदर अंदर वाली संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, फिर मैंने किसको किया, 2 को 3 से गुणा किया, 2 × 3 और 2 × √3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। मान क्या बचा, ऊपर 3 नीचे √3। अब क्या करूंगा मैं, √3 और नीचे √ की वैल्यू नहीं रखनी हमें, तो √3 को और √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा कि सर? नहीं पड़ेगा, तो फिर कर देते हैं, 3/√3 है इसको अगर मैं 1 से गुणा करूं और 1 का भाग दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार क्या करूं मैं, अगर इसी को मैं √3 से गुणा करूं और √3 का ये भाग दे दूं, यहाँ कितना आएगा, 3/√3 और √3 और √3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा मान, 3, 3 से 3 मान क्या हो गया, कैंसिल। मान कितना आया, √3। और मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, क्योंकि टेन 2 थीटा का फॉर्मूला था वो, थीटा की जगह मान कितना था, 30 डिग्री। टेन 2 × 30 डिग्री बराबर टेन कितना होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री माइनस 3 sec² 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ हमें 20 डिग्री मान, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 45 है तब तक तो हमारे पास में मान है, लेकिन यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ टेन 20 डिग्री है, यहाँ टेन कितना है, 70 डिग्री। तो टेन 20 डिग्री है, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा होता है, या फिर मैं कहूं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैं टेन 20 को क्या लिख सकता हूं, पहले हमें ध्यान रखना है कि 20 और 70 दोनों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो मैं इस 20 को क्या लिख सकता हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, टेन 20 को, टेन 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट 70 डिग्री। कितना लिख सकता हूं, कॉट 70 गुणा टेन 70 डिग्री माइनस 3 sec² 45 डिग्री। कॉट 70, टेन 70, कॉट क्या, टेन का उल्टा होता है, तो 6 × 1/tan 70 डिग्री, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, या टेन कोट का उल्टा है, गुणा टेन 70 डिग्री माइनस का 3 sec² 45 डिग्री, या इसको भर गए, टेन 70 से टेन 70 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, 1 को मैं 6 से गुणा करो तो 6 − 3 sec² 45 डिग्री। सेक का मान, 45 का मान हमें पता है, sec 45 का मान कितना होता है, अरे cos 45 का मान होता है सर 1/√2, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/√2, तो वैल्यू कितनी आएगी sec 45 की, √2, कितनी आएगी वैल्यू, √2। और √2 का मैं अगर स्क्वायर करूं, √2 का मान रख दिया, इसका वर्ग करूं तो 6 − 3 × 2 यानी 6 − 6 = कितना आएगा, 0 आंसर आएगा इसका। तो ये प्रश्न क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले वाले पार्ट में हम 90 माइनस थीटा वाले, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा वाले प्रश्न सारे करेंगे। तो ये प्रश्न आपको क्या करना, उन्हीं प्रश्नों में डाल देना एक बार। फिर हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके कई कंपटीशन यानी रेलवे में अंदर पूछे गए हैं, डी ग्रुप में या फिर एनटीपीसी में और भी कई एग्जाम्स है।
और 10th बोर्ड में भी। प्रश्न क्या है कि x गुना टेन 45 डिग्री, x गुना टेन 45 डिग्री गुना कोट कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री गुना कोट 60 डिग्री। एक्स गुणा में बराबर का चिन्ह, तो ये हमें कॉमन सेंस की बात है, किसका मान निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स का मान हमें क्या करना है, मान निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना। सबसे पहले एक्स टेन 45 की वैल्यू मैंने रख दी 1, गुणा कोट कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, ये मैंने मान रख दी। सबसे पहले इसका मान निकालो, √3 से √3 कैंसिल, एक्स गुणा 1 को गुणा किया तो 1/2, इधर भी क्या बचा ऊपर 1 नीचे 2, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ से इसको हटा दूं 1/2, 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल हो गया, एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास में 1। ये तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार देख लेना, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला प्रश्न है। और फिर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है 9/8/2015 वाले एग्जाम में। तो लास्ट प्रश्न क्या है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा कोट स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले कोस 45, कोस 45 का मान कितना रखा मैंने 1/√2, 1/√2 का वर्ग करना है तो 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करना है तो 3/4 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस की वैल्यू कितनी होती है 60 की, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4, साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का वर्ग कितना आएगा 1/2 माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/3, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बटे, और कोट 30 डिग्री, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। बार बार वाली संख्या, अंदर अंदर वाली संख्या, 4 को 1 से गुणा किया 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस बार बार वाली संख्या 2/4, 1/3 गुणा नीचे नीचे वाली संख्या हो जाएगी 1/3 माइनस का 1/12, लघुत्तम कितना है हमारे पास में 12, 6 का भाग दिया 2 बार, 2 को 8 कितना है हमारे पास में 8, 4 का भाग दिया हमारे पास में कितना है 4 का भाग कितना है 4 3 12 और 3 दूनी 6, 3 4 12, 12 का 12 में 1 बार, 8 6 14, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 1 गए 9, 9/12, 3 3 9 और 3 4 12,
आंसर आ गया हमारे पास में कितना, 3/4। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और जो भी आपके आसपास में आपके छोटे भाई और भी कहीं पड़ोस में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनको वीडियो दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।